हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अनस अहमद और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का न्यू ब्लॉग है भाई छोले भटूरे, मेरठ के फेमस छोले भटूरे जो है अपने अपने फील्ड के सिकंदर। तो भाई पिंकी छोले भटूरे और राधे छोले भटूरे। तो अब पहले चलते हैं भाई पिंकी छोले भटूरे के, वहाँ का टेस्ट करेंगे और देखेंगे भाई किसके छोले भटूरे में है ज़्यादा दम और मेरठ के लोग किसके छोले भटूरे के हैं दीवाने, यही बताने वाला हूँ मैं आपको। भाई तो पिंकी छोले भटूरे जो है यार एकदम रश वाला एरिया है और पैट एरिया है, इतना रश रहता है, जबरदस्त एरिया रश रहता है। सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक यहाँ की भीड़ टूटती नहीं है भाई, इतने दीवाने हैं पिंकी छोले भटूरे के। तो अभी हम ट्राई करते हैं भाई पिंकी छोले भटूरे के छोले भटूरे। तो डेली इतने बड़े बड़े बनते होंगे भाई, डेली बहुत बड़े बनते होंगे। कितने बजे तक मतलब खत्म जाते हैं सर? 4 बजे तक है बंद करते हैं, 5 बजे तक बंद करते हैं। सुबह कितने बजे स्टार्ट होता है? सुबह देखो तो भाई सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक ये एंड कर देते हैं। प्लेट 2 बहुत ही गर्मा गर्म भटूरे और भटूरे बहुत सॉफ्ट हैं और साथ में भाई हमें मिली है तो गुलाब जामुन। तो यह पिंकी छोले भटूरे, छोले प्याज और थोड़ा सा अचार। तो करते हैं भाई थोड़ा सा इसको चेक। बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट और यमी यमी। भाई गर्मी में जितना तेल भटूरे से निकल रहा है उतना तेल मेरे अंदर से निकल रहा है। भटूरे का साइज बहुत प्रॉपर है और सॉफ्ट इतना है, बहुत ही जबरदस्त। और भीड़ भाई इतनी रहती है, बहुत जबरदस्त भीड़ रहती है, कोई टेबल खाली नहीं रहती। तो भाई यमी यमी एकदम गर्मा गर्म गुलाब जामुन, 2 गुलाब जामुन है और ये भटूरे 70 रुपए प्लेट। इसके बाद ट्राई करेंगे भाई राधे छोले भटूरे। तो अभी ये तो मुझे थोड़ा प्रॉपर लगे, बहुत अच्छे लगे और जैसे जैसे भटूरे सॉफ्ट होने चाहिए भाई सॉफ्ट है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट लेकिन ऑयली बहुत ज्यादा है यार। अब ट्राई करते हैं भाई थोड़ा सा गुलाब जामुन। अब चलते हैं राधे छोले भटूरे के यहाँ और करते हैं ट्राई। जो मेरठ की प्राइम लोकेशन है और प्राइम लोकेशन पर है राधे चाट भंडार। तो भाई ये भी बहुत पुरानी दुकान है और ये भी अपने फील्ड के सिकंदर हैं। तो भाई ये है आबुलैन और ये है बेगमपुर चौराहा। तो एकदम मेरठ की प्राइम लोकेशन है और प्राइम लोकेशन पर है राधे चाट भंडार। तो अभी यहाँ का ट्राई करने वाले हैं छोले भटूरे। ₹60 की भाई, वहाँ ₹70 की थी लेकिन उसमें एक एडिशनल चीज थी, 2 मिले थे हमें गुलाब जामुन। यहाँ पे कोई गुलाब जामुन नहीं है लेकिन इनके भटूरे थोड़े राउंड शेप में है और वो थोड़े लंबे लंबे थे। तो भाई ये थोड़े क्रिस्पी हैं और फूले फूले हैं। तो भाई देखने में ज्यादा कुछ स्मार्ट लग रहे हैं उससे। चलिए भाई ट्राई करते हैं। तो भाई छोले का टेस्ट बहुत अच्छा है और साथ में प्याज और चटनी।
चटनी भी बहुत ही है। एकदम ज्यादा ज्यादा जो फूले फूले भटूरे होते हैं ना, उसका टेस्ट एक अलग ही निखर के आता है। तो भाई जैसे मैंने कहा, भटूरे इसके सॉफ्ट हैं और ऊपर से थोड़ा क्रंची है। गर्म करने का जो ढंग है वो काफी अच्छा है। और पिंकी छोले भटूरे का सर्व करने का कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं है, वो ऐसे ही नॉर्मली प्लेट में और सर्व कर देते हैं। तो भाई मैं लेने वाला हूँ छोले एक्स्ट्रा। भाई हरी मिर्च दो भाई। प्याज चाहे कितनी लो, और भाई ले ली मैंने एकदम तीखी मिर्च। तो भाई पिंकी छोले भटूरे से सामने तो मुझे यहाँ के छोले भटूरे काफी अच्छे लग रहे हैं। इसमें टेस्ट अच्छा है, उसके टेस्ट में थोड़ा सा कम टेस्ट लगा मुझे। भाई गर्मी इतनी है, आप देख रहे होंगे मैं कितने पसीने आ रहे हैं, और इतना तेल निकल रहा है आपको क्या बताऊं यार। मैंने जैसे बताया जितना तेल भटूरे में से निकल रहा है उतना तेल मेरे अंदर से निकल रहा है। वाला एरिया ग्राउंड फ्लोर वाला एरिया वो बिल्कुल फुल है। अभी हम हैं यहाँ के इसके बेसमेंट में। आपको लग रहा होगा यहाँ की आवाज गूंज रही है, आपको ये भी महसूस हो रहा होगा मेरी आवाज गूंज रही है, क्योंकि हम बैठे हैं अभी यहाँ के बेसमेंट में। तो ओवरऑल मुझे राधे के छोले भटूरे काफी अच्छे लगे, और 60 रुपीज में। तो भाई पिंकी वाले की तरफ से ही है राधे छोले भटूरे। तो कितने नंबर देंगे आप भाई इसमें? इसे 10 में से 10 दूंगा और उसके 7 दूंगा 10 दूंगा। तो भाई नवेद भाई जैसा बोल रहे हैं 7/10 पिंकी छोले भटूरा और 10/10 भाई राधे छोले भटूरे। तो भाई गजब की गर्मी है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक बनता है और सब्सक्राइब बनता है। भाई सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, और भाई आगे मुझे कल क्या खाना है और क्या आपको दिखाऊं तो प्लीज थोड़ा कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए आपको क्या चीज देखनी है। चाय जितना चाल लो और चाय जितना स्पाइसी बनवा लो। तो मैं खा रहा हूँ भाई छोले भरवल के, क्योंकि छोले का टेस्ट है बहुत ही औसम। देखो भाई एक बार फिर आ गया छोले लेके भाई मेरा, डाल दो कुछ छोले, छोले बहुत बढ़िया हो रहे हैं। बस भाई आपके पास आपको मिलते हैं 2 चम्मच, आप चाहो तो भाई चम्मच से भी खा सकते हो छोले को। एक इनके भटूरे का प्लस पॉइंट है, इसके अंदर अजवाइन का यूज किया गया है, जो मुंह में एक अच्छा फ्लेवर दे रहा है। और पिंकी छोले भटूरे के भटूरे में ऐसा कोई भी टेस्ट मुझे फ्लेवर अलग सा नहीं लगा, एक नॉर्मल जैसे छोले भटूरे होते हैं वैसे ही लगा। लेकिन मैं तभी तो कहूँ भाई राधे छोले भटूरे के लोग इतने दीवाने क्यों हैं भाई, ये हो कितना एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट
और ये थोड़ा सा इसका जो फीलिंग करते हैं वो मटेरियल है। तो भाई रियली जैसी ये प्राइम लोकेशन पे बैठे हैं और बहुत अच्छे भटूरे बना रहे हैं, मुझे तो भाई मजा आ गया।